Hare
كيتنام قرنام شاكينام جا في دور عاشين سربتو بيبنام فاشلامي قاندو مريكشم سمنتا بيبكان لاكا جُدِمَتْ رَمِيَّمْ شجانك
जी का पाठ 14वां अध्याय श्लोक संख्या 19 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु नान्यं गुणेभ्यः कृतारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानपि इत्यपि देवी देह समोद्भवान् जन्म मृत्युदरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमाश्नुते अजुवत् कैर्लिङ्गे श्रीन्मुनानेतानतीको भवति प्रभो किमाचार कथं चैतास्ति गुणानति वर्तते श्रीभगवानुवाच
يكاشانك فبيكينتو موهنيوة باندو ناجوستي سانك فبيكتاني نمبيكتاني كامشتي وداسين وداسين काम श्री गीता जी का पाठ 15वां अध्याय प्रारंभ से श्लोक संख्या 10 तक। वसुदेव सुतं देवं कंस चारुरमादनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। अथ पंचदशोऽध्याय श्री भगवान उवाच। ऊर्ध्वमूलमध शाख माश्वच्छन्द्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद मे अधस्तूर्णं प्रसितास्तस्य शाख गुणस्य वृद्धावसयत्प्रलालस्तमूलान्यनुसन्धृतानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्ये रचथोपलभ्यते अश्वत्थमेयूढमूल न सङ्गशेन गृहेण सेत्वा ततः पदं तत्परिमार्जितव्यम् यस्मिन् गतानि वर्तन्ते
ಸ್ವಯಮೇವ ಸಾಧ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಯಶಃ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಪ್ರಸಿತಾ ಪುರಂಸಿ ನಿರ್ಮಾನ ಮೋಹಾಜ ಪ್ರಸಂಗೋಷ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ನಿತ್ಯ ವಿನಿವೃತ್ತ ಕಾಮ ಜ್ಞಾನೈರ್ವಿಮುಕ್ತ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂಗೈ ಸಂಜಮೂಢ ಪದಮ್ಯಯಂತ ನಾಸರತಿ ಪೂಜೋ ನಾಶಾಂಕೋ ನ ಪಾಲಕೋ ಯಜ್ಞೈವೇ ತಾನ ಪರಮಂ ಮನ ನನೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತ ಸನಾತನ ಮನಸ್ಥಾನೇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಥಾನಿ ಕರ್ಷತಿ ಶರೀರಂ ಯದ್ವಾಪ್ನೋತಿ ಯಸ್ಯಾಪ್ಯುತ್ಕ್ರಮತೀಶ್ವರ ನಿಹಿತೈತಾನಿ ಸಂಯತಿ ವಾಯುರ್ಗಂಧಾನಿ ವಾಸಯಾ ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಃ ಸ್ವರ್ಶನಂ ಚ ರಸನಂ ಘ್ರಾಣಮೇವ ಚ ಅಭೀಷ್ಟಾಯ ಮನಸ್ತಾಯ ಕೃಷಿಯಾನುಪಸೇವತೆ ಯೋತ್ಕಾಮಂತಸಿ ಸಂವಾಪಿ ಸಂಜಾನಂವಾಗುಣಾನ್ವಿತಂ ವಿಮೂಢಾನಾನುಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಃ ಯೋತ್ಕಾಮಂತಸಿ ಸಂವಾಪಿ ಸಂಜಾನಂವಾಗುಣಾನ್ವಿತಂ ವಿಮೂಢಾನಾನುಪಶ್ಯಂತಿ ಪಶ್ಯಂತಿ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಃ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾರೂಢಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಹರಿ ಶರಣ
बात आई कि जिनको हम अपना कहते हैं, किसी को कह दो, चाहे व्यक्ति को कहो, वस्तु को कहो, शरीर को कहो, इंद्रियों को कहो, मन को कहो, बुद्धि को कहो, इन पर हमारा बस चलता है क्या? हमारा इस पर अधिकार चलता है क्या? ये सोचो। जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं, जितना दिन रखना चाहे रख सकते हैं, जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं क्या? ये अगर ये बस नहीं चलता है तो इनको मेरा मानना बिल्कुल गलत है ना। नहीं तो वही है जिस पर मेरा बस चले, बस तो चले नहीं कि मेरा है। मैं कहूँ हिंदुस्तान का मैं बादशाह हूँ, कहते हैं ये घर बनाना चाहते हैं दरवाजे दरवाजा रख लें क्या? कि ये तो मेरे हाथ की बात नहीं, दरवाजा इधर रखने का हुक्म भी आप दे नहीं सकते, आज की बात नहीं। पर हिंदुस्तान बादशाह पागल कहेंगे लोग, माता खराब हो गया, बस कुछ नहीं चलता, मजा कैसे है? ये बात आप सोचो, जिस पर अपना बस नहीं चलता वो बस तो मेरी है क्या? तो कहा तो बस चलाओ और नहीं तो मेरी मत मानो। अरे तीसरा मार्ग आप बताओ, एक ही मार्ग रहा कि अपनी न माने, इस वाय कोई और उपाय नहीं है। उपाय होते तुम्हें बैठे हो, बताओ आप सोचते उस पर। ये बात निर्मो निरहंकार समी निर्ममो निरहंकार शांति मरी गच्छति। गीता निर्मम है, मेरी कोई नहीं है, मेरी कोई नहीं है तो निरहंकार हो जाओगे। निर्मम होने पर निरहंकार जरूर हो जाओगे। पहले निर्मम है ये चाहिए, निर्मम युक्ति से अनुभव से सिद्ध है। हम हमारा बस नहीं चलता तो फिर हमारी कैसे हुई? बिल्कुल निर्मम हो जाएंगे कैसे हुए बताओ? मेरी कैसे हुई? जब मेरा बस नहीं चलता तो बस तू मेरी कैसे हुई? जितना दिन रखना चाहे रख सकते हैं क्या? जैसा रखना चाहे वैसा रख सकते हैं क्या? जिस तरह का बनाना चाहे उसमें बना सकते हैं क्या? जैसा इसमें रद्दो बदल करना चाहे वैसे बदल सकते हैं क्या? रंग को भी थोड़ा सा गौर बना लें, बना सकते हैं? तो फिर हमारा कैसे हुआ? हमारा नहीं है तो निर्मम हो गई ना। निर्मम हो गए, मेरा नहीं है तो मेरा नहीं है तो मैं नहीं, और मेरी चाहिए भी नहीं। शरीर को इंद्रियों को मैं मेरा मानूं तो हमारे लिए वस्तु चाहिए, मकान चाहिए, कपड़ा चाहिए, चाहिए
मेरा किसी को भी नहीं मानता, मेरी क्या सही, शरीर में मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरे नहीं, प्राण मेरे नहीं, तो मेरे क्या सही है। आपने जिनको अपना मान रखा है उनके लिए तो चाहिए। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च, ये सामर्थ्य कांक्षितम जिनके लिए देह में वस्त्रता युद्ध प्राणास त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है भी प्राणों की धन की आशा छोड़ करे या मानने के लिए खड़े, अब उनके लिए हमारा क्या चाहिए। मैं काम खरीद लिए कृष्ण कोई इच्छा नहीं, किसी ने इच्छा करे दुख सुख खत्म हो रहे, हमारे है ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, किस बात से। तो हमारे उनके लिए चाहिए, तो हमारे लिए हमारे नहीं है तो हम चाहिए कुछ नहीं। अरे हमारा कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं कैसे रहा, मैं भी नहीं रहेगा, मेरा करके मैं बैठा हुआ है। सबसे पहली बात है ये कि मेरा करके कुछ नहीं है, सबसे पहली बात निर्मम होना है। अच्छा दूसरी बात, दूसरे पक्ष से देख रहे हैं तो ममता आप करते वो ममता रख सकते हो क्या, छोड़ोगे भी निर्मम हम नहीं हो सकते, तो निर्मम नहीं हो सकते तो ममता रख सकते हो, शरीर पर ममता रख सकते हो, परिवार पर, धन पर, घर पर, मन बुद्धि पर, इंद्रियों पर, किस पर भी ममता रख सकते हो क्या। ममता का त्याग नहीं कर सकते तो ममता रख सकते हो, ये सोचो। बोलो है हिम्मत किसकी, ममता रख लो तो छूट जाएगी, उसको छोड़ने में क्या बाधा है, छूट ही जाएगी तो पहले ही छोड़ दो, पहले छोड़ दो तो मुक्त हो जाओगे, और नहीं छोड़ो तो ममता और जिंक करते जाओगे, मरते जाओगे, जन्मते जाओगे, दुख पाते जाओगे, और ममता रख नहीं सकोगे, कोई करते जाओगे दुख पाते जाओगे। लड़का मेरा है करके मर गया, बरूर तो क्या होगा, मेरा लड़का मर गया, सिवाय रोने के हाथ क्या लगेगा। और मेरा ही नहीं मान लो, पहले ही भगवान का है तो भगवान के सोरे मत नहीं रहते हैं, हरदम अपने को रोना होता है। कोई कुत्ता है, कुत्ता भी मरा तो किसी का बेटा ही है, वो बेटा मरा है तो बेटे मरने का दुख थोड़ा ही, तो मेरा बेटा मरा तब दुख होता है। अरे मेरा है माना हुआ झूठा है नहीं, हमारा बड़ संस्था है नहीं, अरे वो ममता रहेगी नहीं, मेरे ये एक मुसली और है, ममता रहेगी नहीं, तो ममता बस नहीं चलता और ममता रहेगी नहीं, फिर उसको आप क्यों नहीं मानते, मौत बचा क्यों नहीं रहती, इसका कारण बताओ, कठिनता बताओ। बोलो ममता रह सकेगी नहीं। देखो धन रहता नहीं उसका पुण्य नहीं होता, धन दे देती हूँ पुण्य हो जाता,
त्याग देते हो तो त्यागात शांति में शांति हो जाती है, अगर त्याग नहीं करोगे तो रहेगा तो नहीं रोगे, इतना मत नतीजा रोना निकलेगा और कुछ तात्पर्य नहीं। बताओ साधु विचार कर भली समझिया देवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ। पीछे बिगड़ेगी तो हम पहले अवश्य जाता रस्तुष बहुत समय तक रहेंगे तो एक दिन वियोग होगा, और वो वियोग हम नहीं चाहते तो होगा तो संताप होगा, और पहले ही अपने रहते हुए ही अपने मन से वियोग कर देगा हमारे नहीं है तो शांति मिलेगी। प्रत्यक्ष बात है, आपकी कन्या बड़ी हुई चिंता होती है, घर बड़ा अच्छा मिला कन्यादान कर दिया, अब वो चिंता है क्या जो पहले थी? उस लड़की की वो चिंता है अब क्या फर्क हुआ? अब हमारी नहीं है, यही हुआ और क्या हुआ सर? बताओ और क्या हुआ? क्या माप तोल में फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? अब हमारी नहीं, हम कन्यादान करते, एक बड़ी खुशी आती है कि कन्यादान हो गया हमारे, बड़ा अच्छा हुआ, चिंता मिट गई। वो चिंता है तो क्या फर्क पड़ा मेरी नहीं है? ऐसे जिन वस्तुओं को आप दे देते हो, छोड़ देते हो, त्याग कर देते हो, उसकी चिंता मिट जाती है। ये एकदम प्रत्यक्ष बात है, इसमें संदेह हो तो बोल। त्याग करें न करें इसमें आप स्वतंत्र हैं, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। एकदम पक्की बात है, संदेह हो तो बोलो। ये तो करके देखी हुई बात है ना, ये कोई अपरिचित बात नहीं है। किसी को कपड़ा भी दे दो तो उसी चिंता मिट जाती है, मकान किसी को दे दिया कि भाई हमने दे दिया तो चिंता मिट जाती है, बिक्री करो तो चिंता मिट जाती है, अपनापन हटा तो चिंता मिट जाती है। आपने एक बहुत बढ़िया मकान बनाया, लाख रुपया लगा करके 1.5 लाख में बिक्री कर दिया, अब लाख रुपया लगा कर पैदा किया तो उसमें कोई लकीर भी खेच दे खोलने की तो बुरी लगती है, मालूम होता है मैंने कलेश ही दिया है। अब वो बेच दिया 1.5 लाख में, अब वो तोड़ा रहा है, हम पास में खड़े रुक होता है क्या हुआ? अब मेरा नहीं है, अब सही तरह सही हो जाए। ये प्रत्यक्ष बात है ना, शिवाजी ने कहा कि बड़ी झंझट है, बड़ा दुख है, तो समर्थ बाबा ने कह दिया हमारे को दे दो, बड़ी ही खुशी आई, बड़ी ही प्रसन्नता हो गई। बस बाबा जी को लेते नहीं, लंगोटी एक कुबड़ी एक झोड़ी थी शिवाज की चीज गोनी के पास में, अब विगत दे दो, बड़ा खुशी आई कभी सब दे दिया, भगवान झंडा लगा दिया, कहा जी बाबा कहे भाई रामदास बाबा का राज्य है। तो शिवाब क्या करोगे, मेरे कोई काम ही नहीं रहा हमारा, तो आ जाओ साथ में, संदीप साथ में आटा ले आते, बाटी बना करके तुम भी खा लो, मैं ठाकुर भोग लगा खा लिया,
अब बोलो कुसु खाता रोटी बाटी बने हुई खा लो, भगवान जी हनुमान जी भोग लगा दिए पा ली, कितने राज भोग से ठाट बाट से भोजन करने वाले। अब महाराज को बड़ी खुशी आ रही है कि बाबा राजी हो गए, बाबा के साथ संग मिल गया, हमारा निहाल हो गया। पूछा क्या करो बेटा, कि महाराज मेरे क्या फिक्र है, जाओ राज संभालो काम करो और हमारे को शब्द देना कितना खर्चा किया कैसे किया बता देना, काम करो। अब यार काम करने लगे, कितना फर्क कितना पड़ा कि रात दिन का फर्क पड़ा, हमारा है ही नहीं, हमारी चिंता किस बात की है, बाबा का काम करते हैं, निहाल हो गए, राजी हो गए, प्रसन्न हो गए कि तो निहाल हो गया, बाबा के काम में मेरा शरीर लग गया, उम्र लगी, बाबा की आज्ञा पालन करते हैं, वही राजा वही राजी वही, तो क्या दुख मिट गया, किस बात का, हमारे राज्य है ये था दुख, हमारा नहीं है दुख मिट गया। इस जगह मैंने ये बात खूब विस्तार से कही तो एक धनी सेठ थे, वो बोले कि स्वामी जी हमारा तो सब कुछ आप ले लो, हमारी चिंता मिट जा। तो मैंने वो ठीक है ले लेंगे, आपका दुख मिट जाए तो दुख मिट जाती है, इसी बात हम ले लेंगे। शेठ जी आने वाले थे, मैंने कहा शेठ जी आ जाए ले जाना, तो मैं तो समझता नहीं उतना, अब कैसे क्या है कि दुकान है हिसाब है सब कुछ, अब आ जाए गोंदिका जी उनके सामने ले लेगा, इनका शेठ का जाना है सभी तो ठीक से बता देंगे। फिर शेठ जी आ गए, ना तो उन्होंने बात छेड़ी ना मैंने छेड़ी, छेड़ी ही नहीं बात। ये बीती हुई बात है, सोचते जब आती है ये बात तो ठीक है, दे दो झंझट बढ़ जा रहा है, इसमें यो 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 हो रहा है। अब उनका शरीर नहीं रहा, शरीर भी कहीं नहीं रहा, ऐसे आप में किसी की हिम्मत हो दे दो। आप झंझट क्यों रखो, जो लेने वाला तैयार बैठा दे दो। हमारे महाराज थे विद्या गुरु जी, वो एक कहानी कहा करते थे, कहानी करते कहते थे कि एक आदमी जा रहा था, तो पहले जमाने में रुपया रखते थे, एक नौड़ी होती थी, नौड़ी लंबी थी, नौड़ी कहते उसको, उसमें रुपये भरे हुए और कमर के बांध देते, यहाँ यहाँ रुपये रहते कमर के बंधे हुए, तो कमर के रुपये बंधे हुए थे कलदार रुपये टन टन टन, तो सोच गया जंगल में चलते चलते सोच गया, जो सोच गया तो कोई करीर था कोई वृक्ष था, उसमें एक गीदड़ी ने बच्चे दे रखे थे, तो वो गीदड़ी महाराज आई काटने के लिए, बच्चा होता है ना तो वो बड़ी तेज होती है, उसमें बच्चे को मार देगा ये, तो सामने आई तो उसने पकड़ लिया कान उसके, अब कान पकड़िए झंझट हुए, उसमें नवरी खुल के रुपये गिरने लगे, तो बिखर गए रुपये, अब उसको पकड़ लिए खा ले, अब झंझट हुए आपस में, अब वो काट खा लेगी वापिस सारी सूर्य कान पकड़ के आवेगा, ऐसी झंझट हो गई। इतने में कोई रस्ते दूजा चलता और क्या है क्या क्या ये बात है, आप तो फंस गए, तो फंस गए नहीं है, गिंदड़ी है ना ये रुपये रुपये हमें है, देखो इस रुपये रुपये पैदा हुआ है,
किसने भी कहा पृथ्वी की पैदा करेगी तो ये तो मेरे को देने तुम पकड़ ले रूप में पकड़ा दिया लेकर बन दिया जो महाराज कहते थे गिंदरी कान पकड़ा दो किसी को मकान है ये कान पकड़ा दो आप लोग खुश है हमारे महाराज की कई कहानी है। एक संतों की व्याख्यान है मैं सुना एक संत से गीता कथा करते थे मैं सुनने को जाया करता कथा सुनने की रुचि थी अब भी है रुचि है आप सुनते हो तो हम सुनाते हैं कुछ सुनाने वाले तो हम सुन रहे हैं हरे की बात नहीं सुनते हैं हम आप कौन से हरे की सुनते हो हमारे जहां मन लगे वो सुनने की रुचि अब भी है मेरी सुनने गए तो उन्होंने एक बात कही व्याख्यान देते हुए कहे कि आजकल के साधु कहते हैं कोई सपूत चेला मिल जाए तो उसको मकान और सब दे देना हम भजन करें अपना तो बस भजन करेंगे दे दो मकान तो वे कहते थे सपूत को क्यों रोड़ाओ कपूत को दो मकान देना हो तो बेचारा सपूत है अच्छा है उसको क्यों खराब करो कपूत से कपूत कहते भाई आठ बोले अब माचा फोड़ो अपना हटके आप भजन करो अच्छा चेला मिल जाए ना उसको दे देना तो अच्छे चीज क्यों दे बुरे को दे उसी मार्ग ने कहा हो माचा फोड़ा खराब ऐसे हम देवती कुछ को दे अच्छा पात्र मिलेगा अच्छा नहीं कुपात्र को दो नहीं तो कुपात्र पात्र कुछ नहीं अपने झंझट में टड़ी ले जा भाई तू ले जा झंझट में आप अब वो कुछ करो मत करो बढ़िया मत करो बताओ कितनी सुगम बात है कितनी सरल बात है दुख पा रहे मुकुट में नारायण 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 तो मेरा पन छोड़ना है बस निर्मो निरहंकार से शांति मिली राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में विक्रम संवत 2046 श्री कृष्ण संवत 5215 आषाढ़ शुक्ल द्वितीय बुधवार दिनांक 5 जुलाई 1989 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा यह प्रवचन हुआ राम।